तकरीबन हम लोगों ने एक फोटो वायरल किया था आप लोगों को, और वो फोटो तकरीबन 700 ग्रुप में हम लोगों ने चलाया। 700 ग्रुप में चलाने के बाद एक खातून जो के तालुका पुलिस स्टेशन से हमारे PSI पाटिल साहब ने गिरना डैम से किसी की मदद से उसको निकाल कर और मालेगांव सिविल हॉस्पिटल लेकर आए, और लाते हुए उन्होंने मुझे कॉल किया साहब ने कि शफीक भाई ये लेडीज़ ऐसी ऐसी मिली है और इसने कुर्ता पहना हुआ है और शलवार पहनी हुई है, तो हो सकता है कि ये मोमेडियन लगती है, तो आप अपने ग्रुप से इसको शेयर करो और शेयर करके इसकी मालूमात जल्द से जल्द निकालो। तो हम लोगों ने जिस वक्त तो उसको ग्रुप पे शेयर किया, तो शेयर करने के बाद एक घंटे के बाद हम लोग यहीं पे सिविल हॉस्पिटल पे साहब के साथ मौजूद थे, तो हम लोगों को जाफर नगर से नए फारान हॉस्पिटल के पास से इनकी वालदा है ऐसा हम लोगों को कन्फर्म हुआ। इनके पास जब वो वायरल फोटो इनके पास गया तो उन लोगों ने देखा और उनकी शनाख्त की और उन लोगों ने पहचान लिया उनको, ये भाई है, इनकी वालदा है वो। क्या नाम है आपका? शेख अफरोज नाम है इनका, और ये उनके पोते हैं, जो बड़ी बी का इंतकाल हुआ उनके पोते हैं। बड़ी बी का नाम है शाहनूर बी शेख मुंशी, ये नाम है उनका, और तकरीबन उनकी उम्र आएगी 74 साल के आसपास है। कल वो घर से लापता हुए थे ऐसे इन लोगों ने बोला है कि वो घर से निकले थे लेकिन किसी को उसकी खबर नहीं थी। आज उनकी लाश गिरना डैम से मिली है जिसकी तहकीकात हमारे PSI पाटिल साहब कर रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब उसको अपने ग्रुप के ऊपर चलाना बंद कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का साहब को भी और हम लोगों को भी फ़ोन आ रहा है, क्योंकि उनके घर वालों की पहचान, उनकी खुद की पहचान हो चुकी है। तो यहाँ से अभी उनका PM वगैरह करके और उनके घर वालों के ताबे में हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर डेड बॉडी इंशाल्लाह निकाल कर देंगे। शुक्रिया।